देश प्रदेश भर में अग्निपथ को लेकर चल रहे प्रदर्शन के चलते बुलंदशहर पुलिस प्रशासन सतर्क। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार कर रहे हैं भारी पुलिस बल के साथ गश्त। एडीएम प्रशासन विवेक कुमार मिश्रा ने एसडीएम सीओ के साथ भारी पुलिस बल के लेकर पहुंचे खुर्जा जंक्शन पहुँच हालातों ले रहे हैं अधिकारी जायजा। बोले एडीएम प्रशासन, जनपद में हालात अभी तक सामान्य है, कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एडीएम फाइनेंस विवेक कुमार मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे थे खुर्जा जंक्शन। सर, आज पुलिस प्रशासन जंक्शन पहुंचा है खुर्जा, क्या उद्देश्य है इसका सर? जैसा कि आप जानते हैं, सेना भर्ती वाले छात्रों के द्वारा आह्वान किया गया था दिल्ली चलने के लिए, तो उसी के मद्देनज़र चारों तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने के लिए जगह जगह पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
खुर्जा में जो हमारा रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उन पर फोर्स लगाई गई है। हाईवे पर नज़र रखी जा रही है कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना आने पाए, और सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। खुर्जा में कहीं भी बच्चों द्वारा कोई उपद्रव करने या शांति भंग करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, सब कुछ शांति से चल रहा है। जनपद में यदि युवाओं से सामना होता है प्रशासन या पुलिस का, तो किस तरह से उन्हें समझाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार के? हम लोग लगातार जो स्कीम आई हुई है, भर्ती की जो स्कीम आई है, उसकी जो मुख्य बिंदु हैं उनको बच्चों को अवगत करा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि उसका लाभ उठाएं। बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है और 3 महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है। तो बच्चों को से बार बार आह्वान किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है, उनके गार्जियन के माध्यम से उनको मोटिवेट किया जा रहा है इस प्रक्रिया में भाग लें और इसका लाभ उठाएं।